आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं मुंशी आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज के किसी खास खबर पर। विभाग के उदासीन रवैये के कारण अभी तक प्रखंड के बड़ा धानिया पहाड़ी गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र भवन का मरम्मति नहीं कराया गया है, जिस कारण सेविका सुशीला देवी ने कच्चे मकान में आंगनबाड़ी केंद्र को संचालित करने में विवश है। सेविका के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र भवन मरम्मति कराने के लिए विभाग को आवेदन देकर जानकारी दे चुकी है, बावजूद विभाग ने अभी तक आंगनबाड़ी केंद्र भवन को मरम्मति कराने के लिए पहल तक नहीं की है, जिस कारण सेविका को काफ़ी संचालित करने में मुश्किल हो रही है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन होने से बच्चों को घर घर जाकर पोषाहार वितरण कर रहे हैं, लेकिन अब बच्चों को दूसरे के घर और कच्चे मकान में पढ़ाना खतरे से खाली नहीं है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इस मामले में बाल विकास पदाधिकारी मुकुलता घोष ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर होने की जानकारी जिला प्रशासन सूची बनाकर दे दी गई है। काठीकुंड से सुजाता कुमारी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुजाता कुमारी, आप देख रहे हैं आरपी भारत। हम अभी मौजूद हैं काठीकुंड प्रखंड के बड़ा धनिया पहाड़ी में, और इस गांव की समस्या ये है कि यहाँ आंगनबाड़ी थी जो कि टूट चुकी है और अभी कोई आंगनबाड़ी नहीं है। आइए, हमारे साथ यहाँ इस गांव की सेविका मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनको आंगनबाड़ी को लेकर क्या समस्याएं हो रही है। तो बताइए आप, यहाँ जो आंगनबाड़ी नहीं है तो इस कारण आपको क्या क्या समस्याएं हो रही है? अभी तो हम लोग का बहुत समस्या मतलब खराब है, जो हम लोग का आंगनबाड़ी नहीं है। इसके बाद मिट्टी का घर में आंगनबाड़ी चला रहे हैं, फिर मतलब हम लोग इतना सेवा करते हैं बच्चा लोग को, जो हम लोग घर घर में सामान ले जाके पहुंचाते हैं। कोरोना के बारे में 3 महीना से हम लोग बच्चा लोग को मतलब सामान पहुंचाते हैं घर घर में, फिर भी मतलब 2-4 महीना से हम लोग का मानदेय भी नहीं मिलता है। यही सब लेके हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुशीला देवी, केंद्र बड़ा धनिया पहाड़ी। धन्यवाद। काठीकुंड प्रखंड के बड़ा धनिया पहाड़ी गांव में जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो लगभग 2-3 साल से जर्जर पड़ा हुआ है। इस बारे में वहां की सेविका भी ब्लॉक में आवेदन दे चुकी थी, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जितने भी जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में जी सबों का सूची बना के जिला को भेजा गया है जी, उस पर अभी जिला द्वारा कार्रवाई की जाएगी कि उसको तोड़ के दूसरा बनाया जाए या बगल में कोई जमीन मिले तो दूसरा बिल्डिंग बनाया जाए।